आपने अक्सर मोटरसाइकिल और कारों की वर्कशॉप देखी होगी, लेकिन कभी आपने मुसाफर ट्रेनें और मालगाड़ियों को मरम्मत और देखभाल करने वाली वर्कशॉप नहीं देखी होगी। आज हम आपको इंजन शॉप और कैरिज शॉप भी दिखाएंगे, जहां पर मुसाफर ट्रेनों और मालगाड़ियों को महफूज सफर को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया जाता है। मुसाफर ट्रेनों की हिफाजत और महफूज सफर को यकीनी बनाने में रेलवे वर्कशॉप मुगलपुरे का क्या किरदार है, हम आपको सब कुछ आज बताएंगे। एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं, ये वो इंजन है जो 1947 के बाद पहली मुसाफर ट्रेन लेकर पाकिस्तान आया था। इस तारीखी इंजन को आप खुद ही देख लें। देखो पाकिस्तान, देखो, देखो पाकिस्तान। पूरा वर्कशॉप हमारी डिवीज़न पाकिस्तान रेलवे की एक बहुत ही तारीखी और इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है। इसमें हमारे यहाँ जो पाकिस्तान रेलवेज़ में आप देखते हैं कैरेजेस जो कि ऑपरेट कर रही हैं, उनकी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होती है। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपेयर स्केड्यूल जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद होता है वो हम कैरी आउट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोकोमोटिव की फैसिलिटी है, जहाँ पर हम लोकोमोटिव मेंटेन करते हैं। साथ साथ जी हमारे पास एक स्टील वर्कशॉप है, जहाँ पे स्टील मेल्टिंग का काम होता है और वो बैकबोन का हमारा किरदार अदा करती है, जिसमें जो हमारे स्पेयर्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरा करती है स्टील शॉप। आफ्टर एवरी ईयर वन ईयर कोचेस हमारे पास आती हैं, जिनकी मेंटेनेंस का प्रॉपर स्केड्यूलिंग हम कैरी आउट करते हैं अपनी वर्कशॉप डिवीजन में। आप अब जाके देखेंगे भी सही, उसमें पूरी कोच को हम डिसमेंबर करते हैं। टोटल एक कॉम्प्रिहेंसिव स्केड्यूल के तहत जो है, जो प्री डिफाइंड स्केड्यूल है, उस पर हम उस कोच को रिपेयर करते हैं और आफ्टर रिपेयरिंग हम जो है उसको पुट इन सर्विस करते हैं। टोटल जो हमारे पाकिस्तान रेलवेज के पास कोचेस हैं वो अराउंड 1700 कोचेस हैं, और वो 1700 कोचेस की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान रेलवे मुगलपुरा डिवीज़न को इंट्रस्ट की गई है। उसमें से हमारा जो टारगेट जो हमारे पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ने असाइन किया है वो 127 कोचेस पर मंथ है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो 127 कोचेस पर मंथ उसकी ओवरऑलिंग हम अपनी वर्कशॉप में कैरी आउट करें। ये वर्कशॉप डिवीज़न बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। आप ये समझ लें कि ये रेलवे की बैकबोन है। नो डाउट ये हमारा एक कैपिटल इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, इसमें कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें रेवेन्यू स्ट्रीम में हमारी हेल्प आउट करें और हम अपनी मशीनरी को अपग्रेड करें, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वंस वो अपग्रेडेशन हो जाएगी तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि मुसाफरों को और ज़्यादा बेहतर सहूलियात जो हैं मुयस्सर की जाएँ। आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि अभी जो रिसेंटली हमने चाइना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें हमारी कोई 230 कोचेज़ आनी है, उसमें से 46 कोचेज़ कम्प्लीटली बिल्ट हालत में हमारे पास आ चुकी हैं। बाकी सारी कोचेज़ जो हैं यहाँ पर हमारी फैसिलिटी में कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद में कुछ बनेंगी और उनकी सारी मेंटेनेंस जो है हम यहाँ मुगलपुरा डिवीज़न में कैरी आउट करेंगे इंशाल्लाह। हमारी रेलवे एक कौमी असासा है और उसकी कैरिज पे, रिपेयर पे काफ़ी अमाउंट का जो है इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इस असासे का ख्याल रखें, क्योंकि जब भी हमारे पास कैरेजेस आफ्टर वन ईयर ऑफ सर्विस आती हैं तो उसमें जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफ़ी इश्यूज़ हम इनकाउंटर कर रहे हैं। हमारी जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें हमारी जो सीट्स हैं वो ख़राब हालत में हमें मिलती हैं, वॉशरूम की फ़िटिंग एंड फास्टनिंग्स जो हैं वो ख़राब हालत में हमें मिल रही होती हैं, और उस पर काफ़ी जो है हमें काम करना पड़ता है, काफ़ी अमाउंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि काइंडली इस रेलवे असासे का ख्याल। We'll be right back.
गाइस आप पहुंच गए हैं लोको शॉप में, मतलब इंजनों की वर्कशॉप में। आप देखें यहाँ पर इंजन मुख्तलिफ मराहिल में, यहाँ पर महाना, समाही या सालाना मरम्मत और देखभाल के लिए लाए जाते हैं और उस वक्त इंजन के तमाम पार्ट्स अलग अलग कर दिए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि कहाँ पर क्या खराबी है, वो खराबी दूर की जाती है और उसके बाद इंजन को दोबारा पैक करके पूरा इंजन बना के रेलवे लाइन पे रवा दवा कर दिया जाता है। इस वक्त आप मेरे साथ जो देख रहे हैं ये इंजन की ट्रॉली, इसको रेलवे की जुबान में बोलते हैं, मतलब ये इंजन के टायर हैं, इसके ऊपर पूरा इंजन रख के और उसकी सारी देखभाल करके इंजन बिल्कुल फिट करके उसमें मौजूद सारी खामियों को दूर करके यहाँ से तमाम ट्रेन के लिए भेज दिया जाता है। मतलब रेलवे हुकाम यहाँ पर आने वाले हर इंजन की महाना लेवल पे, समाही लेवल पे और एनुअल बेसिस पे मरम्मत और देखभाल करती हैं। मकसद ये है कि रेलवे का सफ़र महफूज और आरामदेह बनाया जा सके। फीस पहुंच गए हैं रेलवे कैरिज वर्कशॉप में। आपको पता है कि रेलवे की जो तंसीबात हैं इनकी हफाजत भी बहुत ज़रूरी है और ये जो कैरिज वर्कशॉप है इसके तो अपने ही एक स्टाइल है, एक अंदाज है और ये तारीखी किस्म की वर्कशॉप है। यहाँ पर रेलवे पुलिस इसकी हफाजत के लिए चाको चबंद मौजूद है और रेलवे कैरिज जो वर्कशॉप है यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं वो हमारी यहाँ पर बेटी हैं जिसका नाम है माफिया यास्मीन। हम इनसे पूछते हैं कि ये खतून रेलवे पुलिस ऑफिसर रेलवे कैरिज शॉप की सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम करती हैं। जी मैडम, आप यहाँ पर सिक्योरिटी की इंचार्ज हैं, क्या कहेंगे और रेलवे कैरिज शॉप की सिक्योरिटी के लिए आप क्या इकदाम करती हैं? फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स फॉर ऑल कि आपने ये बताने का मौका दिया, क्योंकि ये कैरिज एंड वैगन शॉप एशिया की सबसे बड़ी शॉप है और यहाँ सारे काम होते हैं, तकरीबन रिपेयरिंग से लेकर नए व्हील बनते हैं, रिपेयर्स होती हैं, हर चीज़ ए टू जेड जो रेलवेज़ की है वो यहाँ बनती है। इसका रकबा सबसे ज़्यादा है। अभी जितनी भी यहाँ वर्कशॉप में जितनी भी शॉप्स हैं ये सबसे बड़ी वर्कशॉप है। 195 एकड़ का इसका रकबा है और इसके 6-7 गेट हैं जो डेली पर्पज़ पे खुलते हैं, जिसमें शंटिंग होती है, डिफरेंट गाड़ियाँ आती हैं, लोड आता है, सामान लेके आते हैं, नया सामान आता है, तो सारे ही गेट वर्किंग पे होते हैं। ये इसका मेन गेट है, जो भी आपने बैक पे देखा जिस गेट से आप इंटर हुए हैं ये इसका मेन गेट है। मेरे पास इस काफ़ी स्टाफ है जो इस सिक्योरिटी करता है, इसे इंश्योर कराता है। डिफरेंट हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिससे हम सिक्योरिटी इसकी बनाते हैं कि हमारी तरफ से कोई सिक्योरिटी रैप्स ना रहे। हमने तकरीबन काफ़ी इस पर वर्क किया है। कुछ अर्सा पहले रेलवे मटेरियल बड़ा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि बहुत कीमती अशिया होती है, स्पेशली इसकी एक कॉपर वायर होती है जिसकी चोरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आजकल भी हम उसी पे वर्किंग कर रहे हैं। रिसेंटली हमने एक मुलाजम भी पकड़ा है क्योंकि वो अट्रैक्टिव होती है ना, थोड़ी सी तार बहुत सारे पैसों में बिक जाती है, वो बड़ी महंगी होती है। बिल्कुल, वो एक ही उसमें 5-6 तारें होती हैं और वो लाखों की तारें होती हैं। अगर उससे थोड़ी सी काटते हैं, चूँकि इनको इतना अवेयर तो होते नहीं है हमारे वर्कर्स को, लेबर को, तो वो इन्हें बड़ी अट्रैक्ट करती है। ये छोटा सा पीस भी अगर काट लेना तो वो काफ़ी लाखों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि जोड़ तो उस तार में लगता नहीं है तो वो बेकार जाती है। हमने उसकी सिक्योरिटी के लिए बड़ा काम किया है। यहाँ रिसेंटली भी एक हमने पकड़ा है और गाय बगाए ऐसे पकड़ते रहते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम इसकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकें। और ये जो रेलवे वर्कशॉप्स हैं यहाँ पर रेलवे पुलिस जो मौजूद है वो राउंड द क्लॉक मौजूद रहती है और चाको चबंद होती है? बिल्कुल बिल्कुल, राउंड द क्लॉक 24 घंटे यहाँ ड्यूटी होती है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है और हर शिफ्ट में जितना मुलाजमीन की हमारे पास स्टाफ है वो तमाम गेट्स पे और तमाम की पॉइंट्स पे वो ड्यूटी देते हैं और वो इंश्योर करते हैं रात को डिफरेंट टाइमिंग पे। मैं खुद भी चेकिंग करती हूँ, सेकेंड टाइम पे भी एक विजिट होता है मेरा, नाइट में भी चेकिंग होती है, गाय बगाए और एनडीओ चेकिंग भी हमारे ऑफिसर्स करते हैं जो ऑल यूनिट्स में जाते हैं।
वो भी चेकिंग करते हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से हम 100% कह सकते हैं कि हम रेलवे इमलाक की और रेलवे सिक्योरिटीज़ को फुल प्रूफ बनाने में हमारा बड़ा किरदार है, क्योंकि रेलवे पुलिस अगर ना हो तो मेरा नहीं ख्याल है कि कभी भी इसकी सिक्योरिटी हो सकती है। इतनी कीमती चीज़ें होती हैं, एक मैं कहती हूँ ये मेरी शॉप है तो ए टू जेड इवन हर ज़रूरत की चीज़ अंदर से मिलती है, और सबसे जो कीमती चीज़ है वो यही कॉपर वायर जो मैंने बताया, ये हर ट्रेन में लगती है, और इसके बगैर ट्रेन में अगर ये छोटे छोटे पीस भी अगर कोई काट के लेके जाता है, गो के वो उसके वर्कर के लिए तो छोटा सा पीस है लेकिन वो लाखों का नुकसान होता है। तो हमें कोशिश करती है करते हैं कि वो जो वायर है ना उसको सेफ बनाएं। जी आपने सुना, ये मैडम इंचार्ज हैं रेलवे कैरिज वर्कशॉप की और ये बता रही थी कि सिक्योरिटी के हवाले से ये एशिया की सबसे बड़ी रेलवे की वर्कशॉप है और यहाँ पर लाखों जो हज़ारों मुलाज़मीन यहाँ पर काम करते हैं और इसके मुख्तलिफ गेट्स हैं जहाँ पर रेलवे पुलिस के अहलकार 24 घंटे चाको चबंद मौजूद रहते हैं। मकसद ये है कि रेलवे तनसीबात से चोरी नामुमकिन हो सके। देखो पाकिस्तान देखो। अमीन हफीज अब रेलवे कैरिज एंड वैगन शॉप आ चुके हैं और यहाँ पर जो वर्क्स मैनेजर हैं मोहम्मद अदरीस वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम मोहम्मद अदरीस साहब से पूछेंगे कि इस वर्कशॉप में क्या क्या काम होता है और वो रेलवे के सफ़र को महफूज और आरामदेह बनाने में क्या किरदार अदा करती है उनकी ये वर्कशॉप। यहाँ पे रेलवे में कैरिज एंड वैगन शॉप्स में मुसाफिर कोचें और फ्रेट वैगन्स का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। एक साल के बाद मुसाफिर कोचें आती हैं मेंटेनेंस के लिए और 3.5 साल के बाद हमारे पास फ्रेट वैगन्स आती हैं मेजर ओवरहॉलिंग के लिए, और यहाँ पे तमाम वो काम किए जाते हैं कि अगले 1 साल और 3.5 साल फ्रेट वैगन्स जो हैं वो तसल्ली बख्श तरीके से ऑपरेशन में चल सकें। तो उसके लिए जो काम नेसेसरी होते हैं वो सारे यहाँ पर किए जाते हैं, और इस टाइम कैरेज एंड वैगन शॉप जो है वो तकरीबन 2500 लेबर पे डिपेंडेंट है और शॉर्टेज है, कोई 40% स्टाफ की हमारे पास शॉर्टेज है, जो हमने मिनिस्ट्री और हेडक्वार्टर्स में रिक्वेस्ट की है कि इसको शॉर्टेज को जो है वो रिकूप किया जाए ताकि फ्यूचर में हमें कोई इस तरह का टेक्निकल काम में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अच्छा दिलीप साहब, ये बताइएगा कि रेलवे वर्कशॉप में आपके पास मुसाफिर कोचिज़ आपने बताया माल गाड़ियाँ मरम्मत और देखभाल के लिए आती हैं, तो हमारे पास वो पूरा इक्विपमेंट सामान चीज़ें होती हैं? जैसे आपने बताया कि मुलाजमीन की तादाद यहाँ कम है, तो क्या हमारे पास इक्विपमेंट होता है कि हम उसको बिल्कुल फिट करके भेजते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास तमाम प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है, लेकिन ये है कि क्योंकि तमाम प्लांट एंड इक्विपमेंट काफ़ी पुराना हो चुका है लेकिन उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी साथ साथ चल रही है, और हेडक्वार्टर ऑफिस की मदद के साथ हमें जो फंड्स मिलते हैं प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर की मद में, उसको लेके हम इसकी साथ साथ जो है वो मेंटेनेंस भी जारी रखे हुए हैं ताकि हमारी कोचें और जो गुड्स वैगने हैं उनकी रिपेयर में आगे कोई ताखीर या मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये बताइएगा कि कहा जाता है ना कि पाकिस्तान रेलवे तो एक दौर में अपनी मुसाफर कोचेज माल गाड़ियाँ खुद बना रही थी, क्या आज भी हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं? अगर फंड्स मौजूद हों तो क्या हम ये मुसाफर कोचेज माल गाड़ियाँ और ट्रेन बना सकते हैं? सलाहियत है हमारे पास? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसी ज़माने में बनती थीं और अभी भी बनती हैं कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में। अभी हमने तकरीबन 6 महीने पहले हमारे पास जो चाइना से 230 कोचेज़ का प्रोजेक्ट है उसमें 46 कोचें जो हैं वो हमें रिसीव हुई हैं कंप्लीट बिल्ड यूनिट की शक्ल में, और वो इस टाइम ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में चल रही हैं, कामयाबी के साथ रनिंग है और उसकी मेंटेनेंस भी प्रॉपर तरीके से डिवीजन्स में हो रही हैं, और उन्हीं 230 के फिगर को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत इस्लामाबाद जो कैरेज फैक्ट्री है उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, और विद इन 1.5 से 2 साल जो हैं वो 230 का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाएगा। तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं मुलाजमीन हैं वो इतने हुनरमंद हैं कि अगर उनको बहुत ज़्यादा फंड्स दिए जाएं तो वो खुद मुसाफर ट्रेनें और मालगाड़ियाँ बनाकर अपने लिए भी और दुनिया को भी हम फरोख्त कर सकते हैं। जी अगर फंड्स अवेलेबल हों, रॉ मटेरियल और जो नेसेसरी सामान है वो अवेलेबल हो, तो कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद पहले श्रीलंका बांग्लादेश और सैनीगाल के लिए कोचें बनाती रही है,
1980s में यहाँ से कोचें गई हैं और अभी भी हम बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं और बाकी मुल्कों के लिए भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे पास है और हमारी लेबर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट टेक्निकल लेबर है रेलवे में, और रेलवे ऐसा अदारा है कि जिसमें हर तरह का डिपार्टमेंट जो है ना वो जम है। ज़बरदस्त, ये एक बहुत ही आप कह लें कि स्टेट मतलब नेशनल अदारा है, चारों सूबों में फैला हुआ है और इसकी मुसाफिर ट्रेनें भी कराची से पेशावर तक हर जगह पर रवाना रहती हैं। जी बिल्कुल, ईद हो, बारिश हो, सैलाब हो, आपके सामने है, ट्रेन कभी रुकती नहीं, ट्रेन कभी रुकती नहीं है। अदरीस साहब बड़ी खूबसूरत बात बता रहे थे कि रेलवे के पास वर्कशॉप्स मौजूद हैं, हुनरमंद मुलाजमीन मौजूद हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, ऑफिसर्स की एक सीनियर टीम यहां पर मौजूद है। कहते हैं कि रेलवे के को अगर ज़्यादा वसाइल दे दिए जाएं तो जिस तरह कैरिज शॉप इस्लामाबाद आज भी नई मुसाफिर कोचेज बना रही है, अगर इसको फंड्स और ज़्यादा दे दिए जाएँ तो ये जो रेलवे कौमी अदारा है ये ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है बल्कि ये अपनी मुसाफर कोचेज और माल गाड़ियाँ बैरून मुल्क फरोख्त करके बारी ज़रे मुबादला भी कमा सकता है। रेलवे कैरिज वर्कशॉप के अंदरूनी मनाजर हैं, आप देख रहे हैं कि मुसाफर कोच को ट्राली के ऊपर रखकर एक कोच से दूसरी वर्कशॉप से तीसरी वर्कशॉप ले जाया जाता है। मुसाफर कोच के किसी वर्कशॉप में टायर दुरुस्त किए जाते हैं, किसी वर्कशॉप में उसका पेंट किया जाता है, किसी वर्कशॉप में उसका इंटीरियर दुरुस्त किया जाता है, तो एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप पर मुसाफर कोच को ऐसे ही ले जाया जाता है। अमीन ऑफिस के पीछे भी ये मुसाफर कोच ट्रॉली पे रख के मुसलसल आगे ले जाई जा रही है। यही चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप में मुसाफर कोच को एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप और दूसरी से तीसरी वर्कशॉप में मुंतकिल किया जाता है। कैसे किया जाता है आप खुद ही देख लें। नफीस साहब को शदीद भूख लगी हुई थी इसलिए मैंने पिंड रेस्टोरेंट की तमाम स्पेशलिटी डिशें मंगवा ली हैं। अब लोरी बादशाह मीन नफीस खाबा खाएंगे। देखो पाकिस्तान, देखो, देखो पाकिस्तान। रेलवे कैरिज शॉप में मुख्तलिफ मुसाफर कोचेज मरम्मत और देखभाल के लिए आती हैं। ऐसी कोचेज भी आप मेरे साथ देख सकते हैं जो एक्सीडेंटल होती हैं या जिन्होंने अपनी सालाना उन्होंने मरम्मत करानी होती है, ये सारी कोचेज जो हैं वो वर्कशॉप लाई जाती हैं और फिर वर्कशॉप के हुनरमंद रेलवे मुलाजमीन और ऑफिसर्स की निगरानी में इन मुसाफर कोचों को दुल्हन की तरह बना संवार कर सजा कर मुसाफरों के लिए रवाना कर दिया जाता है। हमने
आपको मुसाफिर कोचेज जो है वो खराब हालत में दिखाई कि वो यहाँ पर रेलवे कैरी शॉप में आती है। अब हम आपको वो भी मुसाफिर कोच दिखा रहे हैं, इकोनॉमी क्लास की ही मुसाफिर कोच है, जिसको अंदर से जिसके टेक्निकल और मैकेनिकल सिस्टम को भी दुरुस्त कर दिया गया है, उसका पेंट भी ज़बरदस्त कर दिया गया है, ऐसे ही जैसे ब्यूटी पार्लर पर दुल्हन को बनाया और संवारा जाता है, ट्रेन को भी वर्कशॉप में लाकर उसी तरह दोबारा इस तरह पेंट कर दिया जाता है कि ऐसे ही लगता है कि ये नई मुसाफिर कोच है। रेलवे का फायर ब्रिगेड का सिस्टम 115 साल पुराना है, मतलब 1905 का ये फायर ब्रिगेड सिस्टम है। और ये देखें जो फायरमैन होते थे ये कैप पहनते थे, अमीन अफी साहब भी कैप पहनेंगे और 1905 में चले जाएंगे। और ये जो होता है ये इनका, ओह ये तो निकल नहीं रहा, मैं समझ रहा था कि शायद मैं हाथ से पकड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे बताया गया कि अगर मैं ऊंचा करूँ तो ये बाहर आ सकता है, आ गया। और ये फायर से यूँ पानी फेंका जाता था, ये अमीन अफी साहब भी आपको बता रहे हैं। लेकिन रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है, कहाँ एमरजेंसी हुई है, कहाँ पे आग लगी है, वो सिस्टम क्या है, हम आपको वो भी बताते हैं कि अगर किसी जगह पर फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए आग लगी है तो उसका ये स्विच जो है यहाँ पर उस नंबर का ऑन हो जाता था। तो हम देखते हैं कि अभी, हाँ ये देखे आपने, ये 28 नंबर पॉइंट पे कोई आग लगी है और ये घंटियाँ भी बज रही हैं, तो अमीन अफीद साहब को बुलाया गया है, अमीन अफीद आप फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचेंगे। ये देखें बाकी दोस्तों को मैं कैसे बुलाता हूँ, वो भी तरीका आपको बताते हैं। तो दीगर दोस्तों को बुलाने के लिए फायर ब्रिगेड के लोग क्या करते हैं, अमीन अफीद साहब एक मिनट ठहरेंगी, आप नहीं बुझाएंगे, अमीन अफीद साहब लगते हैं। जब आग लगती है वो पॉइंट ऑन होता है तो फायर ब्रिगेड अपने बाकी साथियों को बुलाने के लिए घंटी बजाता है। इस घंटी के बजने के साथ ही फायर ब्रिगेड से मुतलका लोग जहां कहीं भी हैं वो फौरन फायर ब्रिगेड गाड़ी के पास आते हैं। ये सीन भी आप अपनी आंखों से देखें, फायर ब्रिगेड गाड़ी के पास सारे लोग आना शुरू हो गए हैं क्योंकि अमीन अफीज ने वो पुराना तरही घंटा बजा दिया था। अब आप गाड़ी की एक्टिविटी देखें, मोटरसाइकिल कार ट्रैक्टर ट्राली का टायर पंक्चर हो जाए तो उसको पंक्चर लगाया जाता है, टायर फट जाए तो नया टायर लगवाया जाता है, रेलवे की मुसाफर ट्रेनों या मालगाड़ियों के टायर पंक्चर नहीं होते, ये लोहे के टायर होते हैं, लेकिन अगर ये घिस जाए या टेढ़े मेढ़े हो जाए तो रेलवे वर्कशॉप में लाकर इनकी मरम्मत की जाती है, लेकिन अगर ये मरम्मत के काबिल ना हो तो नया लोहे का टायर लगा दिया जाता है। अमीन अफीज अपनी कार के आए रोज पंक्चर से बहुत तंग आ चुके हैं, अब मैंने फैसला किया है कि मैं रेलवे वर्कशॉप से लोहे का टायर अपनी गाड़ी पर लगवा लूंगा, पंक्चर से जान छूट जाएगी। रेलवे वर्कशॉप का तफसीली दौरा कराने के बाद
अब अमीन फी साहब को भूख लग गई है, मेरा जी चाह रहा है कि लोरी बादशाह आप कुछ देसी किस्म का खाबा खाए ताकि जितनी एनर्जी जाया हुई है वो बहाल हो जाए। आप अमीन फी साहब के साथ रहें कि अमीन फी साहब क्या खाना खाते हैं। भूख बड़ी शदीद लगी हुई थी, अमीन फी साहब आ गए हैं जोहो टोन मियाँ प्लाजा के पिंड में। हाय हाय हाय, आप कह रहे होंगे कि जोहो टोन में पिंड कैसे आ गया, ये पिंड नहीं पिंड रेस्टोरेंट है। क्या ज़बरदस्त किस्म का ये पिंड है, आप इसका इंटीरियर देखें और ये बच्चों के लिए ये प्ले एरिया भी इतना ज़बरदस्त है और ये हॉल इतना कुशादा है। अब अमीन फी साहब यहाँ बैठ के ऑर्डर देंगे। कहते हैं कि पिंड रेस्टोरेंट की ब्यूटी ये है कि ये देसी खाबों में नंबर वन रेस्टोरेंट है। क्या क्या खाबे मिलते हैं अमीन फीस देखेंगे, ऑर्डर करेंगे और फिर अपनी भूख मिटाएंगे। यार बात सुनो, अमीन हफीज पहली दफा पिंड रेस्टोरेंट में आए हैं, जो भी आपकी स्पेशलिटी है ना वो ले आओ सारा। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। अमीन हफीज साहब को शदीद भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने पिंड रेस्टोरेंट की तमाम स्पेशलिटी डिशें मंगवा ली हैं। अब लोरी बादशाह अमीन फीस खाबा खाएं। अमीन फीस साहब ने पिंड रेस्टोरेंट में खाना खाया है, दिल खोल के खाया है। इनकी जितनी भी स्पेशल डिशें थी सारी मंगवाई हैं, खसूसन पिंड रेस्टोरेंट की जो देसी कढ़ाई थी, ओए होए होए, वो तो बहुत ही मज़ा आया। इनका जो प्लेटर है बारबेक्यू, उसमें चांप मटन वाली और उसमें कबाब टिक्के मलाई बोटी। मैं कहता हूँ अमीन फीस साहब को आज पिंड रेस्टोरेंट में खाना खाने का मज़ा आ गया। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कैमरा टीम के साथ प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। Oh, Pakistan।